टेलीफोन से उड़ने वाली पतंग आज कट गई, अब सिर्फ तीर चलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का सलाम शौदा रैली से खिताब, कहते हैं कि सिंध की तकसीम की बातें करने वाले आज खुद बिखर गए। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ पर भी कड़ी तनकीद। सलाम शौदा रैली के दौरान पार्टी नगमों पर कमर जमान कारा, खूनजादा चट्टान और दीगर रहनुमाओं का ट्रक पर वालेहाना रक्स। रैली के रूट में आने वाली लिंक रोड बंद होने से शहरियों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में पीपल्स पार्टी तो मर्दान में, मुस्लिम लीग नून का सियासी कुव्वत का मुजाहरा। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात परवेज़ रशीद तहरीक इंसाफ पर खूब गरजे, कहते हैं कि रायबंड जाने वाले अब इस्लामाबाद पर यलगार की बातें कर रहे हैं। इमरान खान 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद बंद नहीं करा सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कारकुनों से चंदा देने की अपील कर दी। इमरान खान कहते हैं कि हर कारकुन कम से कम 100 रुपए दे, चंदा एहतजाजी धरने में इस्तेमाल होगा। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी से बाज न आया। भिम्बर के कोयरट्टा सेक्टर में बिला इश्तेआल फायरिंग और गोलाबारी, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को दुनिया से रुख्सत हुए, 65 बरस बीत गए। अमरीका और बरतानिया ने यमन में फौरी तौर पर जंग बंदी को जरूरी करार देते हुए कहा है कि मसले का सियासी हल नागुजीर है।